मिल नहीं रही और वो 120 कोर्ट्स आज भी नहीं बने और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि वो 3 महीनों के अंदर कोर्ट्स बना और पीटीआई की कैबिनेट ने भी वो अप्रूवल दे दी थी कि ये जल्दी से जल्दी कोर्ट्स बनाई जाए, पर बहरहाल वो कोर्ट्स अभी भी नहीं बने। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स नहीं बनी जो कि पीटीआई का मेन नैरेटिव, वो क्यों नहीं बनी? अब मैं आपको बताता हूं। एक और केस बताता हूं आप, एफआईए का केस था आसिफ जरदारी के खिलाफ, जिसमें एफआईए ने आसिफ जरदारी को बुलाया था और आसिफ जरदारी के पसीने छूट रहे थे। सो अब वो केस कहां है? एक और केस बताता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। ये आपको बताया हबीब बैंक का स्कैंडल चल रहा था, जहां पे डीजीआईसी ने कुछ पैसे दिए थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ लोगों को, और वो केस था आईएसआई के कुछ साबिक लोगों के पास। वो केस कहां दफन हो गया है? अच्छा, एक और केस बताता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। आपको पता होगा क्वेटा में एक बंदा था जिसने सीधी गाड़ी ठोकी थी एक कांस्टेबल को, और वो एक रईसानी क्लब का आदमी था। सो उसने गाड़ी ठोकी थी और उसके बाद वो धड़ाधड़ घूमता फिरता रहा और उसके बाद उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई और पुलिस रिपोर्ट ये आ गई कि ये एक्सीडेंट हुआ है और कोई ज्यादा अटेम्प्टेड मर्डर और कोई रेज वगैरह नहीं, और उसको आजादी मिल गई और वो जो कांस्टेबल था वो लंगड़ा लूला होकर घर पड़ा हुआ है। इसके पीछे भी किसका हाथ है? अब जरा खुलकर इन इश्यूज के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि फारूक नसीम आर्मी चीफ का आदमी, उसने वो कोर्ट्स बनने ही नहीं दी क्योंकि आर्मी नहीं चाहती कि इनकी सबकी अकाउंटेबिलिटी हो। आर्मी अपने एसेट्स लूज नहीं करना चाहती। पीपल्स पार्टी आर्मी का एसेट है और पीपल्स पार्टी और आर्मी के काफी अच्छे रिलेशन है। आर्मी ना कहूं तो जनरल बाजा और पीपल्स पार्टी के काफी अच्छे रिलेशन है। बिलावल बड़ा ही डीपली निगोशिएट करता है आर्मी चीफ के साथ आपके, और वो याद होगा, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कश्मीर का इलेक्शन हो रहा था, बिलावल ने आर्मी चीफ से मीटिंग की कि मैं इस इलेक्शन को लड़ना चाहता हूँ। अब आर्मी चीफ ने कहा जाइए आप खुलकर लड़िए, आपके पास ओपन ग्राउंड है। बिलावल हमेशा कंप्लेन करता था मुझे ओपन ग्राउंड नहीं दिया जाता खेलने के लिए, आप हमेशा मुझे कंस्ट्रेंट और रोक कर रखते। बिलावल गया कश्मीर में इलेक्शन लड़ने के लिए, आपको पता है कश्मीर में इलेक्शन वो हार गया। उसके बाद वो कार पे खड़ा हुआ और वो बड़ी घटिया जुबान में धमकियां देने शुरू कर दी उसने आर्मी चीफ को और पूरे स्टेट को धमकियां देना शुरू कर दी कि मैं एक सियासी कारकुन हूं, मैं तो हार मान भी लूंगा मगर मेरे लोग नहीं मानेंगे। और उसके बाद उसने वहां पर दंगे फसाद करवाए और वहां से वो चला आया। यही वो बिगल बच्चा है आर्मी चीफ का, जो धमकियां भी देता है वगैरह वगैरह। और आपको एक और स्टेटमेंट याद दिलाता हूं बिलावल, जो आप अभिनंदन का वाक्य हुआ था 27 फरवरी वाला, उससे 2-3 दिन पहले बिलावल ने कहा था कि आपने हाफिज सईद के हवाले से कहा था कि आपने इस हाफिज सईद को इसलिए अरेस्ट किया है क्योंकि आपको डर है कि इंडियन जेट्स आकर इनके ऊपर बम ना फेंक दे। अब वो कितना क्रिटिकल टाइम था और कितनी खतरनाक स्टेटमेंट दी थी। बात सारी यही है कि आपके आर्मी चीफ्स इस तरह के लोगों को पालते हैं। अब आते हैं ये आपके शहबाज शरीफ के ऊपर, इसकी जमानत किसने दी है? इसकी जमानत और वो पूरा कोर्ट का रजिस्ट्रार बदल के रख दिया है आपके आर्मी चीफ वालों ने, रजिस्ट्रार बदल के एक जज ने अपॉइंट करके, और किस तरह से जमानत दिलवाई गई है लाहौर हाईकोर्ट से, वो भी आपको देखने के लिए बात होगी। और फिर आते हैं आपके मुशरफ के केस के ऊपर, मुशरफ के केस को कितनी मिनटों में सस्पेंड करवा दिया लाहौर हाईकोर्ट। हम सब क्रिटिसाइज करते हैं लाहौर हाईकोर्ट, बारह लाहौर हाईकोर्ट को लूज रखता कौन है? हम ये भी तो देखें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ क्या काम कर रही है और कैसे गुल खिला रही है। आपको एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ। आपके जो बेरिया टाउन वाले, बेरिया टाउन वालों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 460 अरब रुपए रिकवर करवाने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ दौड़ती हुई चली गई और उन्होंने कह दिया कि 160 मिलियन पाउंड्स की रकम लंदन से रिकवर हुई है, वो किसी और केस में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने एक रिपोर्ट बनाकर भेज दी सुप्रीम कोर्ट में कि 160 जो मिलियन पाउंड्स है वो बेरिया टाउन ने हमें पे कर दिए हैं। बहरहाल वो किसी और केस में बेरिया टाउन को चार्ज पड़ा था, बेरिया टाउन नहीं बल्कि मलिक रियाज को चार्ज पड़ा था, वो किसी और केस में 160 मिलियन पाउंड का चार्ज पड़ा था मलिक रियाज के ऊपर। और फिर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ बड़ा अच्छा गुल खिलाती है, सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दे देती है कि भाई ये पैसे तो हमें मिल गए और ये मलिक रियाज ने हमें दे दिए। बेसिकली द पॉइंट इज के आपके आर्मी चीफ कभी कभार ऐसी फजूल सी हरकतें कर जाते हैं, उसके बाद हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है सालों तक। मरियम नवाज को किसने बाहर निकाला, ये भी सोचने की बात है। वो डील जो नवाज शरीफ को बाहर भेजने की थी और मरियम नवाज को बाहर भेजने की थी वो किसने की? किसने पीटीआई की गवर्नमेंट को थ्रेटन किया कि हम आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला देंगे अगर आपने नवाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दिया? और फिर डीजीआईसीआई बैठ के मजे से बातें करते हैं कि भाई हमारा तो इसमें कोई हाथ ही नहीं, ये तो हुकूमती और कोर्ट का मामला था। सो ये नेब वगैरह कुछ भी नहीं होते, ये एक पॉलिटिकल टूल होते हैं जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट वगैरह इस्तेमाल करना चाहती है। अगर नेब को अकाउंटेबिलिटी करने का इतना ही शौक है तो पकड़े ना अभी भी, अब क्यों नहीं पकड़ रही? मरियम नवाज ने 2 पत्थर के हमारे नेब तो नेब ही बंद हो गई सारी की सारी। आप मुझे बताएं वो जो आसिफ था डॉक्टर आसिफ के 400 अरब रुपए वो केस किधर गया? एफआईए का केस ये जो था आसिफ जरदारी के ऊपर वो केस किधर गया? बात ये है कि इनके आपस में हाथ मिले हुए होते फिर हमें बेवकूफ बनाने के लिए बस यहाँ पर आ जाते। जब भी इनकी आर्म ट्विस्टिंग करनी हो, कुछ सपोर्ट वगैरह लेना हो तो केस निकाल देते हैं, जब कुछ ना करना हो तो केस बंद कर देते हैं। फिर हमें कह देते हैं कि जी देखें पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म है, जरा सा एहतियात करना पड़ता है, अगर सब लोग अंदर हो गए तो केस हो गए। सीधी सीधी बात है, आपकी
एलीट ज्यादातर करप्ट है। कोई भी एलीट हो, आपकी जुडिशियल एलीट हो, मिलिट्री लीडरशिप हो, आपकी पॉलिटिकल एलीट हो, आपकी बिजनेस एलीट हो, हर किसी के अपने अपने सिक्के हैं। हम बस गरीब लोग इनकी बातें सुनते हैं, कहानी सुनाते हैं और यूट्यूब से थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।